सुन देते चल ऐसा हो जाए तो भाई आई विल रेडी यस सो कैसी लगी फिल्म बाजार ठीक थी एवरेज थी मूवी अच्छी मूवी बेटर थी अच्छी थी और ज़्यादा अच्छी इसमें सैफ की एक्टिंग थी और सेकंड थिंग अभी फर्स्ट टाइम मैंने फ्रेंड के साथ देखी मैं ट्राई करूँगा मेरे गर्लफ्रेंड के साथ देखने के लिए भी तो मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी बेसिकली जो अभी ये बाजार का ये चल रहा है मार्केट का कम डाउन अप डाउन चल रहा है उसके रिलेटेड मूवी थी सैफ अली खान की मूवी मतलब एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी बेसिकली वतन जाते एवरेज सीक्वेंस नहीं था नॉर्मल एक नॉर्मल स्क्रिप्ट थी ज़्यादा एवरेज स्क्रिप्ट थी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था उतना बट एज कम्पेयर टू सैफ की एक्टिंग अगर हम देखें तो वो ज़्यादा अच्छी थी अगर बात करें हम फुल एंटरटेनमेंट पैकेज मूवी की नहीं अराउंड 50-60% 100 out of 60% यस आउट ऑफ 4 यस थैंक यू बाय एक नंबर मूवी थी सैफ की एक्टिंग बहुत अच्छा एड किया बहुत अच्छा किया पिक्चर लगी बहुत अच्छी मूवी है वापस देखेंगे एक बार अभी तो क्या कुछ खास लगा आपको स्टोरी तो एकदम बेस्ट है देखोगे तो पता चलेगा मस्त स्टोरी ट्विस्टिंग टर्न्स की बात करें तो कितने कितने ट्विस्टिंग कैसा लगा आपको बहुत अच्छी मूवी थी मैम वापस देखेंगे कल वापस आएंगे वापस कितने साल देना चाहेंगे 5 थैंक यू सो मच तालियां सुपर माइंड ब्लोइंग चलेंगे सबसे अच्छा एक्टिंग किसकी लगी ऑफ कोर्स सैफ अली खान क्या खास बात लगा सैफ अली खान से ऑलवेज मेक स्टार लाइक रेस्ट उनको ये तरह के में है कितना कैरेक्टर बदल पाया कितना गुजराती बन पाया क्योंकि बिजनेस माइंडेड होते हैं बिजनेस पे मूवी है ये बाजार या आई थिंक आई फील लाइक अनिल अंबानी लाइक या तो देख रहे हैं उसी तरह तो इस तरह के मूवी उनको शूट करता है या ये मस्त है हनी सिंह रॉकिंग राधिका आप्टे और चित्रांगदा जी है इनकी केमिस्ट्री की तरह फाइनल माइंड ब्लोइंग एक्टिंग चित्रांगदा को बहुत दिन पे बाद देखने के लिए मिला राधिका आप्टे आउट ऑफ 5 4.5 अच्छा अभी तो सब्जेक्ट वाइज ठीक है लेकिन चलेगी नहीं सैफ अली खान का पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो है काम ठीक है लेकिन उसमें एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है आम पब्लिक जो जिसको पिक्चर देखने के लिए जो आते हैं पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है सैफ भैया जिसको नॉलेज है उसके लिए ठीक है आम आदमी नहीं नहीं आम आदमी के लिए ठीक नहीं गाने कैसे लगे गाने एक दो गाने हैं लेकिन खास नहीं है कुछ हाँ वो दोनों सपोर्टिंग रोल में है ठीक है सर दो नहीं मेरे को नहीं अच्छी लगी हमें अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी स्टोरी नहीं थी ना कुछ एंड क्या दिखाया शुरू कहाँ से भी बीच में कहाँ गए कुछ भी नहीं था गाना था ही नहीं यार उसमें तुम जाके देखो ना गाना नहीं है उसमें एंटरटेनमेंट कुछ नहीं था बोरिंग था सरदर्द है जीरो जीरो आ जाओ आ जाओ ना सुमो अरे आ जाओ ना यार क्या अभी तो आना है मैं को आ जाओ बाजार देखी नहीं भाई जबरदस्ती किसी भी चलो बोलो अच्छी फिल्म है स्टॉक मार्केट के ऊपर है और स्टॉक मार्केट में जो एक हाई लेवल और लो लेवल जो चलता रहता है वो वही दिखाया गया है इसमें और इसमें एक नया करेक्टर आया है रोहन है उनका नाम हाँ रोहन मेरा उनका डेब्यू हुआ इसमें तो वो बहुत ही अच्छा करेक्टर किया बाकी सैफ अली खान और राधिका आप्टे के बारे में यही कहना है कि वो फेमस सेलिब्रिटी हैं वो तो कुछ भी एक्टिंग करेंगे तो अच्छी लगेगी लेकिन वन टाइम वॉच मूवी है उनके बारे में तो कंपेयर करना नहीं है क्योंकि वो बेस्ट एक्टर हैं और वो बहुत सेलिब्रिटी हैं तो उनके बारे में मैं ये नहीं अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा जो स्टॉक मार्केट में हाँ बहुत अच्छा लगा जो स्टॉक मार्केट अप डाउन चलता रहता है मार्केट में उसके बिहाफ पे उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और राधिका आपटे ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की सभी का किरदार बहुत ही अच्छा है और मैं इसमें से 5 में से 3.5 स्टार दूंगा और वन टाइम वॉच मूवी है थैंक यू सो मच मैंने नहीं देखी चलेगा अब ये पकड़ लिया यार बहुत वजन हो रहा है मेरे उसको एक्चुअल में क्या है ना बाजार के शो में कोई था ही अच्छा तो बोलने का तो पैसा भी मिलना चाहिए क्या करें स्टेप से लेना पड़ेगा पैसे रेडी यार कैसी लगी बाजार बाजार बहुत ही बढ़िया फिल्म है और मुझे तो बहुत मजा आया स्टेप की परफॉर्मेंस कैसी
बहुत अच्छी है, जैसे उन्होंने रेस में परफॉर्मेंस की थी वैसे ही उन्होंने इस बाजार फिल्म में की है। रोहन मेहरा जो जिन्होंने डेब्यू किया है उनकी एक्टिंग कैसी लगी? मुझे एक्टिंग की बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है कि उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, खास करके उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वेरी नाइस वॉइस। उनके बारे में क्या कहना, वो तो राधिका आप्टे एज यू नो लाइक नेटफ्लिक्स पे तो छाई हुई है और ग्रेट एक्टर है। मुझे अच्छी लगी फिल्म। अब देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मेरे नज़र इसे देखो तो मुझे तो अच्छी लगी, किसी को शायद ना भी अच्छी लगे, लेकिन मुझे अच्छी लगी है। फिर से देखना चाहेंगे? नहीं, मैं कोई भी फिल्म एक ही बार देखता हूँ, दूसरी बार मैं शायद उसे यू नो लाइक नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम पे देख लेता हूँ। गो एंड वॉच वन टाइम। 3.5।